निश्चित रूप से मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि जितने भी लोग बहाल हो गए हैं ऑलरेडी वो कार्यरत हैं तो उन्हें राजकर्मी का दर्जा, हमारी तो मांग यही है कि उनको आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो बैठ जाएंगे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो पहल से ऐसा पता चल रहा है कि अब सभी शिक्षकगण उस समय के बिल्कुल नजदीक हैं जब इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री उनके घटक दलों तथा शिक्षक संघ के नेताओं के साथ होने वाले बैठक में शिक्षक संघ के नेता ब्रजवासी जी को अवश्य बुलाया जाएगा। यदि ये बैठक में जाते हैं तो सरकार से ये क्या मांग करेंगे, क्या स्थिति होगी, आइए इस वीडियो में इनकी जुबानी सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों की मुलाकात होगी, अभी तो कोई ऐसी औपचारिक कोई वार्ता का पत्र कोई आया नहीं है और इस प्रकार से कुछ है नहीं, तो मीडिया के माध्यम से एक कयास लगाया जा रहे हैं और जो भी खबरें प्रसारित हो रही है सूत्रों के हवाले से खबरें दी जा रही है, लेकिन उनका सूत्र क्या है वो मीडिया के लोग ही बता सकते हैं। जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो बैठ जाएंगे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समाचारों में खबरें तैर रही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, ऑथेंटिक कोई बात नहीं है, कोई सरकार के स्रोत से या किसी विभागीय स्तर से किसी प्रकार का कोई पत्राचार कोई सूचना नहीं। एकमात्र मांग है बिहार के शिक्षकों की, एकमात्र मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा एक इस प्रकार की मांग है जिसमें इनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शिक्षक बिहार में केवल वेतन बढ़ाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, शिक्षक जो है सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की चिंताओं से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए तो ये तमाम समस्याओं का समाधान, या तो न्यूनतम बात है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा, हम तो कोई कंडीशनल मांग नहीं रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और इसके साथ साथ आईएएस का वेतन मान दीजिए, हम ये तो मांग नहीं रहे हैं। हम इनसे कहाँ कह रहे हैं कि हमको गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, जो कुमार है उसका शादी करा दीजिए, हम तो कह नहीं रहे हैं। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि आप जो भी शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। हम आपको 14-15 में बता दें कि 2014-15 में हमने एक लड़ाई लड़ी, उस समय जो हम लोगों को वेतन मान नहीं था तो हमने नारा दिया था एक मांग वेतन मान, यह नारा हमारा दिया हुआ था और सरकार कहती थी कि वेतन मान छोड़कर बात करिए और हमने कहा कि सब कुछ छोड़कर वेतन मान पर बात करिए और सरकार पहले कही कि यह संभव नहीं है तो हमने कहा यह संभव है, अगर आपके नज़र में संभव नहीं है तो आप बैठिए हम बताते हैं कि कैसे संभव है। और उस समय भृषण पटेल जी शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने बुला के हमारे साथ वार्ता की और मैंने उनको बताया और जब मैंने उनको बताया कि इस तरीके से हो सकता है तो वो आश्चर्य में पड़ गए, कहे कि अरे आज तो कोई ऐसा सुझाव ही नहीं दिया और जो हमने सुझाव दिया तो एक वेतन ठीक आर्टिफिशियल ही से एक वेतन मान दिया, एक सिस्टम में हम लोग आए तो यह हमारा ही कराया हुआ। उस समय भी हम बहुत सारे लोग हमारी आलोचना भी कर रहे थे क्योंकि मात्र उस समय में वेतनमान जो हमने जो सुझाया था उसमें मात्र 15,000 रुपया हो रहा था, आज के रेट में 44-45,000 पहुंच गया। तो यह कहीं ना कहीं एक दूरदृष्टि रही हमारी जिसके कारण ऐसा हुआ। तो अभी भी राज्यकर्मी के दर्जा की जो बात है तो हमें आप राज्यकर्मी जब मान लेंगे, देखिए इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे तो आज सरकार भी चाह कर भी स्थानांतरण नहीं कर पा रही है शिक्षकों का, आप सोचिए। इस कारण से बहुत सारे रिश्ते बिखरे हैं, ये इनको क्या पता है, बहुत सारे रिश्ते बिखर गए। पति कहता है कि तुम हमारे साथ रहो, पत्नी कहती है हम अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, किसी की मजबूरी है नौकरी छोड़ना, किसी की जरूरी है, जरूरत है नौकरी करना, तो अब क्या करें उस स्थिति में। तो रिश्ते दरक रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। आज बात हो रही है कि हम इनके अप्रिसिएशन में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वार्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको जो करना है सब करिए। इसी के लिए मैंने कहा कि आज जो परिस्थितियां बनी है, मैं आपको बता दूं अभी 2 दिन पहले अनायास मुझे जो है 4 पंक्तियां मैं लिखा, मैं बैठा था तो इन दर्द को जब मैं महसूस करता हूं तो मैं कुछ लिखता हूं। मैंने उस दिन इस चीज पर लिखा कि आप बातों से झलकता है। आपने जो कहा जिस तरीके से आप सभी लोग कह रहे हैं कि आप सरकार के सिस्टम ये वो सरकार खिलाफ हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, शिक्षक ये हो गया, भैया मेरे गधा को घोड़ा कहना है कैसे कह दूं, उल्लू को तोता कहना है कैसे कह दूं, तुमने तोरे लाखों सपने भाग्य विधाता कैसे कह दूं, कदापि नहीं कह सकता हूं। इतने सपनों को आपने तोड़ दिया, इतने सारे परिवार गुजर गए, आप क्या समझेंगे। जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोग हैं, पति पत्नी का जो संबंध होता है, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उसका मूल्य वही समझ सकता है जो पारिवारिक जीवन जीता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी भी पारिवारिक दर्द को समझ नहीं सकते हैं, अगर चाह भी लें तभी नहीं समझ सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी इसको नहीं समझ सकते हैं। तो जो पारिवारिक जीवन जी नहीं रहा है उसको क्या पता है, वो ये लोग नहीं समझते। निश्चित रूप से मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि जितने भी लोग बहाल हो गए हैं ऑलरेडी वो कार्यरत हैं तो उन्हें राजकर्मी का दर्जा, हमारी तो मांग यही है कि उनको आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। दर्जा ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई हमने शर्त लगा दिया, ऐसा तो कोई शर्त नहीं लगाया। और सरकार चाहेगी कि वो रास्ता निकाले, रास्ता निकालना अगर चाहे, देखिए किसी काम को नहीं करने के हजारों बहाने, लेकिन उसी काम को और करना है तो उसके भी सैकड़ों बहाने।
अगर सरकार कहती है कि नहीं हो सकता है तो इसके लिए वो हजारों बहाने बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हजारों बहाने तो हम नहीं बना सकते, लेकिन उसको अगर कर देना है तो सैकड़ों बहाने हमारे पास हैं, सैकड़ों माध्यम हैं, सैकड़ों तर्क हैं। आपको निगेटिव अगर हजारों तर्क आते हैं तो हमें भी अपने पक्ष में सैकड़ों तर्क आते हैं, बैठिए समाधान हो जाएगा। जिनको शासन करना है वो डिवाइड करते हैं, जिनको नफरत फैलाना है वो डिवाइड करते हैं। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं, यह जो लड़ाई है यह मोहब्बत की लड़ाई है, एक दूसरे के आपस में जोड़ने की लड़ाई है, हम तोड़ने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। उम्मीद भी यही है सभी से। और हम किसी को क्यों क्लास विद इन क्लास, एक तो ऐसे ही सरकार एक रेगुलर संवर्ग जिला संवर्ग अलग बना दिया, नियोजित शिक्षक का संवर्ग अलग बना दिया, तो सरकार ने तो क्लास विद इन क्लास कर ही दिया, हम उसको क्लास विद इन क्लास को भी क्लास क्लास विद इन क्लास का क्यों कर दें? हम ऐसा कभी नहीं करना चाहते हैं, और ऐसी हमारी कभी कोई मांग नहीं, हम कभी भी ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि अरे जितने भी शिक्षक हैं जो हमारे बीच आ गए हैं, जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, हम तो उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो जो ज्वाइन नहीं किए हैं, जो लोग प्रत्याशा में हैं, जो आने वाले हैं, आखिर भविष्य तो वही है जी। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जो होता है, किसी व्यक्ति की सफलता उसकी जो उपलब्धि है वह उसके द्वारा भौतिक चीज़ों की जो उपलब्धता है उसके आधार पर उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। आप कितना सफल हुए इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना अच्छा उत्तराधिकारी दिया। आपका जो उत्तराधिकारी है, जो आपका सक्सेसर है, वो आपका बताएगा कि आप कितने कितना बेहतर आपने काम